पूरे देश की तरह मंडी में भी दशहरे की काफी धूम देखने को मिली। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग रावण दहन के लिए ऐतिहासिक पंडल मैदान में पहुंचे। इस दौरान माधव राय की झांकी भी निकाली गई। बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दशहरा देश में बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया। मंडी शहर में भी खासी धूम देखने को मिली। इससे पहले मंडी शहर में भव्य शोभा यात्राएं निकाली गई, जिसमें रामलीला का मंचन कर रहे कलाकारों ने राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान सहित अन्य रूप धार करके शहर भर की परिक्रमा की। इस दौरान नगर परिषद अध्यक्षा नीलम शर्मा ने बताया कि दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत के उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। मंडी के पंडल मैदान में रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले भी जलाए गए। शहरवासी बड़ी संख्या में पंडल मैदान पहुंचे और रावण दहन का आनंद उठाया। इसके साथ ही रावण दहन के लिए मंडी शहर के आराध्य राज माधव राय भी पालकी में सवार होकर पंडल मैदान पहुंचे। पंडल मैदान में नगर परिषद मंडी की तरफ से तीनों पुतलों को स्थापित किया गया था। एसडीएम सदर पूजा चौहान ने तीर चलाकर रावण का दहन किया। इस दौरान नायब तहसीलदार प्रदीप चंदेल ने बताया कि दशहरा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। उन्होंने बताया कि भगवान राम ने रावण का संहार करके सीता माँ को उनके चुंगल से छुड़वाया था, जिससे बुराई पर अच्छाई की जीत के उत्सव के रूप में हर वर्ष इसे मनाया जाता है। आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे मंडी शहर के पटल ग्राउंड में विजयदशमी का मेला मनाया जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने 14 वर्ष का वनवास काटकर जब सीता मैया को रावण ने धोखे से चुरा लिया था, तो उसका संहार करके इस पवित्र जो पर्व को है वो दशहरा के रूप में मनाया जाता है, जिसे आज हम यहाँ सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे जिला मंडी की जनता भारी संख्या में इस पटल ग्राउंड में पधारी है। हम और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो पर्व है ये हमारी जो अच्छाई के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि बुराई जो एक महान प्रकांड योद्धा पंडित होने के नाते रावण ने करी थी,